एक साथ कितने अच्छे लगते हैं ना। तुम्हें क्या लगता है वो डेट कर रहे हैं? मानना पड़ेगा दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं। हाँ यार कमाल के यार, देखा तूने? आखिर स्टूडेंट काउंसिल के लिए वो घड़ी आ ही गई। जैसा कि हमने वादा किया था हम स्कूल के नियमों को बदलेंगे। हाँ इनकमिंग मैम, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दिए हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। दुनिया में कुछ लोग हमेशा ही लोगों से घिरे रहते हैं। चलो चलता हूँ सातो, मिलते हैं। हाँ कल मिलते हैं। पर मैं इसके ठीक उल्टा हूँ, एक आम स्टूडेंट जिसको लोग अक्सर भूल जाते हैं। और अगर मेरे साथ गलती से भी कुछ हटके होता है तो कभी इससे एक्साइटिंग नहीं होता। जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ ठीक है, और मेरे लिए कुछ करना चाहो तो जरूर करना। ओके मैं भी ना, पर अंदर से मैं हर रोज चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जिससे मेरी लाइफ जबरदस्त हो जाए। यहां नहीं है, कोई गलती से उठा ले गया होगा, मेरी किस्मत ही खराब है। नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर ले गया तो उसे परेशानी होगी और मुझे किसी भी झमेले में नहीं फंसना। काश मुझे कोई जादू करना आता। लगता है बहुत देर रुकना पड़ेगा, ये नहीं रुकने वाली। सुनो हा? तुम क्या कर रहे हो? वो क्या तुम्हारे पास कोई छाता नहीं है? वो दरअसल लगा ही था, पर स्टूडेंट को स्कूल के बाद इतनी देर रुकना अलाउड नहीं है। हाँ आपकी बात तो सही है, चलिए मैं चलता हूँ। ओके रुको जरा सुनो। हाँ स्टूडेंट्स को बारिश में घर भेजना स्टूडेंट काउंसिल को शोभा नहीं देगा। अगर ऐसा है तो तुम मेरा छाता ले सकते हो, सा तो मेरे पास एक्स्ट्रा है। क्या क्यों काजुकी, तुम इसे जानते हो? हाँ हम क्लासमेट्स हैं। हम दोनों ने कभी बात नहीं की है, पर इसे मेरा नाम पता है। ये लो उसातो। वैसे काजुकी रियूसिन सच में एक अच्छा बंदा है। थैंक यू काजुकी रियूसिन। इतना फॉर्मल क्यों बन रहे हो, हम क्लासमेट्स हैं यार। तो मैं तुम्हें उसातो कहूं या केन? उसातो ठीक है, दरअसल मुझे उसातो नाम पसंद है। तो ठीक है उसातो। तो आज से मैं भी तुम्हें उसातो ही बुलाऊंगी। ठीक है ना उसातो? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो चलो उसातो एक साथ घर के लिए निकलते हैं। हाँ चलो, शायद किस्मत को भी यही मंजूर है। मैं स्कूल के दो सबसे पॉपुलर स्टूडेंट्स के साथ घर जा रहा हूँ, सारा स्कूल ये सुन के जल जाएगा। क्या? ओ, नहीं कुछ नहीं, चलो चले। वैसे काजुकी सच बताऊं मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने फ्रेंडली होंगे। क्या सच में? पर क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें सिर्फ लड़कियों से बात करते देखा है। देखो वो मेरे से पहले बात करते हैं इसलिए मैं बात करता हूँ। अच्छा सच क्यों नहीं कहते काजुकी कि बाकी लड़के तुमसे बात ही नहीं करना चाहते? सुजुने तुम भी? मजाक कर रही थी। और पता है मुझे तो इनुकामी मैम से बात करना उससे भी ज्यादा मुश्किल लगता था। क्या क्या कह रहे हो, मैं तो बस फाइनल ईयर की आम स्टूडेंट हूँ। आप इतनी भी आम नहीं है, आप क्लास की टॉपर है और स्पोर्ट्स में भी, और आप दिल से भी उतनी ही अच्छी है। आपको जितना लगता है आप उतनी साधारण नहीं है। तुम्हें अचानक क्या हो गया काजुकी? मैं तो बस पुराना बदला ले रहा हूँ। मेरा एक और सवाल है, क्या आप दोनों डेट कर रहे हो? हाँ? वो सब लोगों को ऐसा ही लगता है तो। ओ, नहीं नहीं हम डेट नहीं कर रहे हैं। ये सही कह रहा है, हम दोनों ही स्टूडेंट काउंसिल में हैं, इसीलिए इतना वक्त साथ में बिताते हैं। आप दोनों मजाक कर रहे हो ना? हम भला मजाक क्यों करेंगे? मैं जानती हूँ कि कई लोगों को ऐसे लगता है कि हम डेट कर रहे हैं, पर तुम पहले ऐसे हो जिसने हमें सीधे आकर ये सवाल पूछा है उसातो। सॉरी मुझे अच्छा लगा, पीठ पीछे बातें बनाने से तो अच्छा ही है। क्या मैं तुम्हें भी कुछ पूछ सकती हूँ?
उसा तो क्या तुमने हाई स्कूल के बाद क्या करना है कुछ सोचा है? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं। अच्छा, अभी तक नहीं सोचा। आपने मुझे भी यही सवाल पूछा था। हाँ, क्योंकि मैं बस सबके जवाब जानना चाहती हूँ काजुकी, क्योंकि मेरे पास खुद कोई प्लान्स नहीं है। क्या आपने अभी तक ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगी सोचा नहीं? पर ये तो आपका फाइनल ईयर है। तुमने सही कहा, पर मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रही कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं जो भी ठान लेती हूँ मैं उसे तुरंत पूरा कर देती हूँ। अच्छा, तो टॉपर्स लोग ऐसे सोचते हैं, भला मुझे कैसे पता होगा? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जगह यहाँ पर नहीं है। मैम और मैं बिल्कुल अलग है, पर वो जो बोलना चाहती है वो मैं समझ सकता हूँ। ये कैसी आवाज थी, सुनाई दी तुम्हें? हाँ, क्या हुआ? उसा तो तुम्हें एक जोर की आवाज सुनाई दी अभी, एक बड़ी घंटी जैसी। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। मुझे भी सुनाई दे रही है, वो और तेज हो रही है। ये क्या है, ये आवाज कहाँ से आ रही है? पर मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तुम दोनों ठीक तो हो ना?